Hello friends, my name is Raman and you are watching Solar Facts. So hope you all are good and doing absolutely well. First of all, I would like to thanks to all my subscribers that my channel Solar Facts has completed his 1000 subscriber. So start कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक. So आज का हमारा टॉपिक बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है. So आज का हमारा टॉपिक है कि what is mismatch in solar system? Solar system में क्या प्रॉब्लम है कि जब भी हम किसी सोलर प्लांट को लगाते हैं तो हमको जनरेशन जो होता है उस पर एक मिसमैच टर्म है जिसको अभी हम पूरी तरीके से जिसको हम अभी देखेंगे यहाँ पे. सो मिसमैच का इम्पैक्ट हमारे सोलर सिस्टम पे किस तरीके से पड़ता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में मिसमैच लॉसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, सोर्स ऑफ मिसमैच क्या है और मिसमैच ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैसे डेवलप हो जाता है उसको देखेंगे. एंड उसको समझने के बाद देख समझेंगे कि एक सोलर सिस्टम में मिसमैच होने से क्या प्रॉब्लम्स आती है या इन टर्म्स ऑफ जनरेशन अगर हम बात करें तो क्या फर्क दिखता है. तो देखिए सबसे पहले सोलर के मिसमैच को समझने से पहले एक सोलर सिंगल लाइन डायग्राम हमने डिजाइन किया हुआ है उसके कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं. तो देखिए सोलर सिस्टम में क्या होता है कि सोलर सिस्टम में सोलर पैनल्स होते हैं, ये सोलर पैनल्स हैं. तो यहाँ पे फॉर द कैलकुलेशन पर्पज यहाँ पे हमने 500 वाट के 5 पैनल लिए हुए हैं. इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो 2.5 किलोवाट का सिस्टम है. 2.5 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम हमने लगाया हुआ है, उसमें क्या किया कि ये सारे के सारे पैनल्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है और पैनल्स का जो डीसी आउटपुट है वो कहाँ पे है, इन्वर्टर पे लगा हुआ है. सो इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर हमारा डीसी टू एसी कन्वर्ट करेगा और ये सेम एसी जो होगा वो एसी डीबी बॉक्स में जाएगा. एसी डीबी का फुल फॉर्म होता है एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स. एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या होता है कि यहाँ पे एक एमसीबी लगा होता है या एमसीसीबी लगा होता है, डिपेंडिंग ऑन कि डिजाइन आपका कैसा है या आपका स्विच गियर किस तरीके का लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द किलोवाट और कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम. और उसके बाद एक MCB के साथ साथ यहाँ पे लगा होता है SPD जिसको बोलते हैं सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस. ऑलरेडी SPD पे एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, इफ यू वांट टू नो अबाउट SPD तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. उसके बाद ये सेम आउटपुट जो ACDB से निकलता है वो चला जाता है LT पैनल में. बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि LT पैनल कहाँ से आ गया. सो LT पैनल इज नथिंग बट LT पैनल इज द लोड पैनल ऑफ द कस्टमर, कि जहाँ पे कस्टमर्स ने के सारे जहाँ पे कस्टमर्स के सारे कनेक्शंस हैं उस पैनल को बोलते हैं हम LT पैनल, लो टेंशन पैनल बोलते हैं. फैक्ट्रियों में आप इसको LT पैनल देखेंगे, कहीं बड़े प्रोजेक्ट्स पे अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको HT पैनल देखने को मिलेगा, हाई टेंशन पैनल बोलते हैं. उसके बाद आता है ग्रिड. ग्रिड इज द जहाँ से हमको सप्लाई मिल रहा है उसको हम बोलते हैं ग्रिड. तो इस पूरे सिंगल लाइन डायग्राम में होता क्या है कि देखिए सोलर पैनल क्या करेगा, सनलाइट से क्या करेगा डीसी कन्वर्ट करेगा और डीसी कंबाइंड होकर हम किसको देते हैं, इन्वर्टर्स को देते हैं. इन्वर्टर क्या करेगा डीसी टू एसी कन्वर्ट करेगा और ये ACDB में जाके LT पैनल में क्या होता है कि लोड जुड़ा होता है हमारा. यहाँ पे हमारा क्या होता है, लोड होता है जो कि क्या करेगा सोलर पैनल से जनरेटेड एनर्जी जो है वो लोड में कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा. एंड इफ इन केस की लोड की डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है सोलर, तो क्या करेगा सेम जो है वो ग्रिड से लेना शुरू कर देगा जितनी भी रिक्वायरमेंट हमारे लोड को चलाने के लिए उस टाइम पे होगी. नाउ द थिंग इज कि अब हम देखते हैं कि मिसमैच क्या होता है. देखिए अगर मैं एक आइडियल कंडीशन मानता हूँ, आइडियल कंडीशन इसको पकड़ लूँ, तो 500 वाट के अगर 5 पैनल लगाए इट मीन्स कि मेरा 2.5 किलोवाट का ये पैनल हो गया. अब द प्रॉब्लम इज कि मिसमैच में क्या होता है कि जो मिसमैच में जितने भी पैनल्स आपके सीरीज में कनेक्टेड होते हैं उनमें जो लोअर परफॉर्मिंग पैनल होता है, लोअर परफॉर्मिंग पैनल का मतलब हो गया कि लेट से कि देर आर एन नंबर ऑफ रीजन जो यहाँ पे मैंशन है उसकी वजह से अगर किसी पैनल का परफॉर्मेंस डाउन होता है, मान लीजिए 500 वाट के पैनल का परफॉर्मेंस डाउन होके लेट से कि 200 वाट पे आ गया, 200 वाट ही जनरेट कर पा रहा है बिकॉज ऑफ कि कुछ भी फैक्टर्स यहाँ पे लगे हो गए. सो इन फैक्टर्स की वजह से, तो अभी इन फैक्टर्स को भी अच्छे से समझ लेंगे. अभी एज्यूम करके मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे इम्पैक्ट आता है सिस्टम पे, फिर बताएंगे कि काजेज क्या होते हैं, कौन सी वजह से हमारे सर्किट के अंदर मिसमैच लॉसेस होते हैं और वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हम प्लांट लगा देते हैं उसके बाद कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे प्लांट के अंदर क्या होगा कि मिसमैच लॉसेस होंगे. सो देखिए अगर मैंने यहाँ पे क्या कंज्यूम किया कि किसी रीजन से ये 500 वाट का पैनल 200 वाट जनरेट कर रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि देखिए ये 500 वाट का पैनल 500 वाट उस टाइम पे जनरेट कर रहा था, रिमेनिंग ये पैनल्स भी जो थे वो 500 वाट जनरेट कर रहे थे. बट द थिंग इज कि ये बीकर परफॉर्मिंग पैनल है जो सीरीज में जब भी कोई भी कनेक्शन हम करते हैं तो लोअर परफॉर्मिंग करंट जो होता है वही उसमें उस लाइन के अंदर उस सीरीज कनेक्शंस के अंदर फ्लो करता है. तो यहाँ से प्रॉब्लम क्या आता है कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग मतलब कि जो पैनल्स का हमने इंटरकनेक्शन बनाया हुआ है, तो जो एक स्ट्रिंग के अंदर जो भी सबसे पुअर परफॉर्मिंग पैनल होगा, पुअर परफॉर्मिंग कह लीजिए या लोअर परफॉर्मिंग पैनल कह लीजिए, या वैसे समझना है तो ये कह सकते हैं कि जो सबसे कम जनरेट करने वाला जो पैनल होगा वही उस स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगा. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 200 वाट इज द सबसे लोअर वोल्टेज जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो
तो 200 वाट के अकॉर्डिंग अगर मैं 5 पैनल को काउंट करता हूँ तो कितना हो गया, ये मेरा हो गया 1 किलो वाट। सो यहाँ पे मेरा क्या हो गया कि 2.5 किलो वाट का जो सिस्टम था, अब ये सिस्टम रह गया मेरा 1 किलो वाट का। सो ये किसकी वजह से हो गया, ये मिसमैच की वजह से हो गया। इवन मेरा ये सेकेंड वाला पैनल 500 वाट जनरेट कर सकता था, थर्ड वाला भी कर सकता था, फोर्थ वाला भी कर सकता था, एंड फिफ्थ वाला पैनल भी 500 वाट जनरेट कर सकता था, लेकिन ये 500 वाट जनरेट नहीं किया बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे एक मिसमैच टर्म इन्वॉल्व हो गया। मिसमैच में क्या हुआ कि जो भी पैनल हमारा पुअर परफॉर्मिंग पैनल होता है वही उस स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है। तो यहाँ पे द प्रॉब्लम इज कि जो पैनल सबसे कम परफॉर्म कर रहा था उसका वोल्टेज था 200 वाट, 200 वाट ही पूरे पूरे स्ट्रिंग के अंदर फ्लो होगा, पूरे पैनल्स जो होंगे वो सब के सब 200 वाट पे ही ऑपरेट कर रहे होंगे। सो इस केस में क्या होगा, 5 पैनल जो हमने इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि पहले विदाउट मिसमैच के, या बोलूं कि जो जिसमें मिसमैच टर्म इन्वॉल्व नहीं था जिस समय पे जब वो आइडियली परफॉर्म कर रहे थे, तो वो पूरे 5 पैनल मिलके मुझे कितना दे रहे थे, 2.5 किलोवाट जनरेट करके दे पा रहे थे। अभी के केस में क्या होगा कि मिसमैच होने से वो सेम प्लांट जो है वो 1 किलोवाट में कन्वर्ट हो गया। नाउ अब हम देखिए समझ लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे मिसमैच हमारे सिस्टम के अंदर होता है। सोर्स में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाउड शेडिंग एंड रिफ्लेक्शन। देखिए जब एक सोलर सिस्टम की हम बात करते हैं तो हम ये नहीं देखेंगे कि छोटे प्लांट या बड़े प्लांट की बात कर रहे हैं, हम जब बात करेंगे तो एक ओवरऑल सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। सोलर सिस्टम में क्या होता है कि जैसे हमारी छत पे, या आपने भी देखा होगा कई बार क्या होता है कि ऐसे मौसम आ जाते हैं जहाँ पे थोड़ी दूर पे आपको धूप देखने को मिलती है, थोड़ी दूर पे ही आपको छांव देखने को मिलती है। सो जब सोलर सिस्टम लगा होता है तो सोलर सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारी सन से इरेडिएशन की वैल्यू अगर जिस पैनल पे बेटर होगी, यानी कि अगर 1000 वोल्ट के क्लोज होगी, वो पैनल क्या होगा, सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। जिसपे सबसे कम जो इरेडिएशन की वैल्यू आ रही होगी वो क्या करेगा, वो सबसे पुअर परफॉर्म कर रहा होगा। सो मिसमैच के केसेस में क्या होगा कि अगेन वो पुअर परफॉर्मिंग पैनल कंसीडर होगा, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सो दिस इज द सोर्स ऑफ मिसमैच। लेट्स से कि अज्यूम कर लेते हैं 500 किलोवाट का सिस्टम हमने ग्राउंड माउंटेड लगाया, तो उसका एरिया जो होगा वो काफी ज्यादा होगा। तो उस एरिया में क्या होगा कि ये पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ पैनल्स पे इरेडिएशन की वैल्यू कुछ और होगी एंड कुछ पैनल्स पे इरेडिएशन की वैल्यू डिफरेंट होगी। सो डिफरेंट डिफरेंट इरेडिएशन की वैल्यूज से क्या फर्क पड़ेगा कि हमारे पैनल्स जो होंगे वो इवन सेम वोल्टेज के पैनल होंगे, बट उनसे जनरेशन जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा होगा। सो स्ट्रिंग के केसेस में क्या होता है कि जब हम ऐसे इन्वर्टर्स के साथ जब हम लगा देते हैं अपने पैनल को, तो सबसे कम जनरेटिंग पैनल जो होता है वही पूरे स्ट्रिंग की परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है। तो ये हम कह सकते हैं कि क्लाउड शेडिंग एंड रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे मिसमैच का एक सोर्स है। मिसमैच जो है वो इन रीजन से हमारे सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। उसके बाद बात करें तो देखिए रूफटॉप शेडिंग एंड ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि अगर इसको ऐसे समझते हैं कि लेट से कोई छत है और मैंने इस तरीके से अभी सोलर पैनल्स इस पे कुछ इस तरीके से लगा दिया। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि सेम छत पे हमने क्या कर दिया, ये छत कुछ इस तरीके से था, अब मुझे मजबूरी बस ये पैनल्स कुछ इस तरीके से लगाने हो गए। अब अगर मैं इन पैनल सब पैनल्स को एक साथ कनेक्ट कर दूंगा और एक आउटपुट लूंगा तो होगा क्या, किसी इंस्टेंट पे सन की लाइट इस पे इस तरीके से आ रही होगी, तो इस पे क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग वो सनलाइट कुछ इस तरीके से आ रही होगी। तो जनरेशन जो है इन पैनल्स से होगा वो हमको कम मिल रहा होगा, एंड उस सेम टाइम पे यहाँ से जनरेशन जो मिल रहा होगा वो ज्यादा होगा। सो ओवरऑल अगर मैं इनमें मिसमैच की बात करता हूँ तो जनरेशन जो बीकर परफॉर्मिंग मॉड्यूल से मिल रहा होगा वही उस पूरी स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगा। इट मीन्स कि अगर आपके रूफ पे शेडिंग कंपोनेंट कोई है, या शेडिंग कंपोनेंट को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जैसे ये कोई छत है और यहाँ पे सब जगह मैंने सोलर प्लांट लगा दिया है, और यहाँ पे लेट्स से कि कोई मेरा वाटर टैंक लगा हुआ है, और वाटर टैंक का क्या होगा, मूविंग शेडो होगा, किसी टाइम पे शेडो इस तरीके से होगा, किसी टाइम पे शेडो यहाँ पे होगा। तो ये जो शेडो इस तरीके से मूव कर रहा होगा, इसमें क्या होगा कि जो भी पैनल जिस टाइम पे अंडर साइड हो जाएगा वो क्या होगा, उस स्ट्रिंग में लगे हुए सारे पैनल्स का पावर वोल्टेज जो है वो कम कर देगा। तो शेडिंग पार्ट जो भी होता है रूफ टॉप पे और ओरिएंटेशन जो है वो भी इम्पैक्ट डालता है हमारे मिसमैच लॉसेस होने के लिए। उसके बाद आता है कि मैन्युफैक्चरिंग मिसमैच। सो मैन्युफैक्चरिंग मिसमैच लॉसेस की अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं एक 400 वाट पैनल की बात कर लेता हूं, तो आज के टाइम में क्या होता है कि 400 वाट का जो पैनल जो मैन्युफैक्चरर है वो ये बोलता है कि या तो आपको प्लस 5 वाट का टॉलरेंस मिलेगा, या वो बोलते हैं कि प्लस 5 वाट का आपको इन टर्म्स ऑफ पावर वोल्टेज का टॉलरेंस मिलेगा। लेट्स से कि एक 400 वाट का पैनल है, तो इसमें अगर मैं 5% कंसीडर करता हूं तो ये वोल्टेज आ गया मैक्सिमम वोल्टेज इसका कितना हो सकता है, 420 वाट भी हो सकता है। अब किसी इंस्टेंट पे कोई पैनल 400 का भी हो सकता है, उसमें कोई 410 का हो सकता है, कोई 401 वाट का हो सकता है, कोई 420 वाट का भी हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द पैनल हो सकता है 415 वाट के भी हो। अब इन पैनल्स को अगर मैं आपस में इंटरकनेक्ट कर देता हूं तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि जो मैन्युफैक्चरर मुझे पावर वोल्टेज का एडवांटेज दे रहा था, जो प्लस में पावर वोल्टेज दे रहा था, उसका एडवांटेज हम स्ट्रिंग इन्वर्टर्स में नहीं ले सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे पुअर परफॉर्मिंग मॉड्यूल जो है वो ऑपरेट करेगा और ये 400 वाट की तरीके से ही सारे पैनल्स
हमारे बिहेव करेंगे, इवन मेरे कुछ पैनल 420 वाट के हैं, कुछ 415 वाट के हैं। सो दिस इज कॉल्ड कि मैन्युफैक्चरिंग मिसमैच में क्या होता है कि जब हमारे पैनल्स का जो हमारा एडवांटेज मिल रहा था, पॉजिटिव टॉलरेंस मिल रहा था, वो हम यूज नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस मिसमैच फैक्टर। उसके बाद आता है कि थर्मल ग्रेडियंट्स। थर्मल ग्रेडियंट्स का मतलब देखिए क्या होता है कि अगर ये एक मैं सोलर पैनल्स यहाँ पे बनाया हुआ है, अगर मैं इस सोलर पैनल की बात करता हूँ, तो होगा क्या कि सोलर पैनल्स में जो पैनल मेरा ये वाला टेम्परेचर होगा सेल्स का, ये टेम्परेचर सेल्स का होगा, उसके रिस्पेक्ट में इन सेल्स का टेम्परेचर जो होगा वो ज्यादा होगा। यानी कि ये वाले सेल्स जो होंगे, जो क्लोजर टू द या मिड ऑफ दिस पैनल होंगे, उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू जो एजेस पे हमारे सेल्स होंगे। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है और इनका टेम्परेचर कुछ और है। सो अभी हमको पता है कि हमारे सोलर पैनल्स में क्या होता है कि पावर वोल्टेज जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा 25 डिग्री से ज्यादा होगा, तो पावर वोल्टेज जो होगा वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि इन सोलर सेल्स का जो जनरेशन होगा एज कम्पेयर टू द आउटर एज पे जितने भी हमारे सोलर सेल्स लगे हुए हैं, उनसे क्या होगा कि इनका वोल्टेज जो होगा वो कम होगा, और ये आपस में सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड है। तो क्या होगा कि ओवरऑल जो है मिड ऑफ द जो सेल्स होते हैं, उनकी वजह से आपके पैनल का जो पावर वोल्टेज है वो भी ड्रॉप होगा, वो भी आपको मिसमैच के टर्म्स में देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है कि वॉल ड्रॉपिंग। वॉल ड्रॉपिंग इज कि वॉल ड्रॉपिंग आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो किसी प्रोजेक्ट पे। लेट्स से कि यहाँ पे वॉल ड्रॉपिंग हो गया, तो ये क्या करेगा इस पैनल में, लेट्स से कि ये 144 सेल्स का पैनल है हाफ कट टेक्नोलॉजी में, तो ये पैनल दो पार्ट में स्प्लिट है, तो जो 250 वॉट का जो लोअर वाला सेक्शन था, इसमें वॉल ड्रॉपिंग की वजह से लेट्स से 5 वॉट का नुकसान हो गया आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको 250 की जगह 245 वॉट भी देखने को मिल सकता है, और ये 245 वॉट क्या करेगा, इसमें ओवरऑल जो पैनल्स का इंटरकनेक्शन है उसमें आपको ये लॉसेस जो है वो देखने को मिलेगा। सो ये तो थे कि सोर्सेस ऑफ मिसमैच हो गए। अब बात करेंगे कि देखिए सोलर प्लांट को अगर एक तरीके से हमने अच्छे से इंस्टॉल कर दिया, सारे पैरामीटर्स देख लिए, हमने ये भी देख लिया कि किसी भी तरीके से हमारे सिस्टम के अंदर मिसमैच नहीं आएगा, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली सारे पैरामीटर्स को चेक कर लिए, तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स भी होते हैं जो कि सोलर प्लांट लगाने के बाद आपको देखने को मिलेंगे। सो सोलर प्लांट लगाने के बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सोलर पैनल्स को इम्पैक्ट करते हैं या हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मिसमैच क्रिएट करते हैं, उसमें आता है सबसे पहला पॉइंट पुअर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी। सो पुअर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी का मतलब होता है कि देखिए सोलर पैनल जो भी कंपनी बनाती है, सो सोलर पैनल बेसिकली कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें ग्लास होता है, ईवी होता है, सेल्स होते हैं, फ्रेम होता है, बैकसीट होता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सोलर पैनल्स में। सो सोलर पैनल की जनरेशन या सोलर पैनल को एक लॉन्ग टाइम एनर्जी सोर्स के हिसाब से देखते हैं, तो क्या होगा कि अगर हम इसके किसी भी कंपोनेंट या मटेरियल की क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर लेंगे, तो क्या होगा कि हमारा सोलर पैनल जो है वो डिग्रेड हो जाएगा, वो उसका जनरेशन जो है या उसका पावर वोल्टेज जो है जो एक्सपेक्टेड था वो आपको नहीं मिलेगा। सो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में पीआईडी को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, उसमें आपको मटेरियल क्वालिटी के ऊपर भी हमने बात की हुई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देखिए, तो शायद आप अच्छे से पुअर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटीज की वजह से ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स आती हैं उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। सो अभी के लिए आप ये समझिए कि पुअर क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग अगर होगा, तो क्या होगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हो सकता है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपका पैनल जो है वो उसका पावर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और पावर वोल्टेज जैसे ही कम होगा तो हो सकता है कुछ पैनल्स का ड्रॉप हो, कुछ का ना भी हो। जब आप क्या करेंगे कि जो हाईएस्ट ड्रॉप्ड जो पैनल होगा, लेट्स से कि 500 वाट के पैनल का एक रेंज है, एक स्ट्रिंग आपने 20 पैनल की लगा दी 500 वाट्स की, और उसमें एक पैनल अगर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया, या एक पैनल में अगर क्वालिटी उन्होंने कंट्रोल नहीं किया था, अगर लेट्स से वो 300 वाट के अकॉर्डिंग काम करने लगा, तो आपका इंटायर जो जितने भी पैनल्स आपने उस सीरीज में कनेक्ट किए होंगे, वो सारे के सारे पैनल जो होंगे वो 300 वाट के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करेंगे। सो क्वालिटी कंट्रोल हमें बहुत अच्छे से देखना है। जब भी हम सोलर पैनल सेलेक्ट करते हैं, तो हम लोगों को मेक श्योर करना है कि हम एक अच्छे ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, एक गुडविल हो, उसके प्रोडक्ट का मार्केट में एक अच्छा रेपुटेशन हो, वो ऑलरेडी प्रोडक्ट जहां पे भी लगा हो वहां से आपको रिकमेंडेशन आ रही हो, साइट से आपको रिकमेंडेशन आ रही हो, पीपल्स हु हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दोज पैनल्स, सो उनका फीडबैक आपको लेना है। तो ये सारी चीजें चेक करके आपको एक मैन्युफैक्चरर जो है उस पर एक क्वालिटी कंट्रोल और ये सारी चीजें इंश्योर करनी है कि वो क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट बनाते हैं कि नहीं, तभी आप उस मॉड्यूल को जो है वो सेलेक्ट करिए। उसके बाद आता है पीआईडी। पीआईडी इज बेसिकली पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। सो पीआईडी के ऊपर एक हमने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, पीआईडी अगर आपको समझना है तो आप वो वीडियो देखिए। एंड पीआईडी में क्या होता है कि देखिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि मॉड्यूल जो है परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड होने लगता है, करंट क्या करने लगता है, लीक करने लगता है, और करंट जो है वो ग्राउंड में जाने लगता है, करंट फ्रेम और ग्लास से होकर ग्राउंड होने लगता है। सो उसकी वजह से क्या करता है, मॉड्यूल का जो पावर वोल्टेज है बहुत तेजी से डिक्रीज होने लगता है, उसकी वजह से भी हमारे को मिसमैच देखने को मिलता है। उसके बाद आता है कि अनइवन सॉइलिंग। देखिए अनइवन सॉइलिंग का मतलब होता है कि अगर मैं किसी एक रूफटॉप की बात करता हूँ, मान लीजिए कि ये कोई छत है,
यहाँ पे लेट से कि मैंने ये पूरा पैनल इस तरीके से लगा दिया है। अब इस छत के पास से क्या है कि इस तरफ से रोड है। अब रोड के एरिया में जो पैनल्स लगे हुए हैं वो डर्टी ज्यादा होंगे, ये थोड़े से ज्यादा गंदे होंगे, बीच वाले पैनल कुछ कम गंदे होंगे। सो द प्रॉब्लम इज कि जो सबसे ज्यादा डस्टी पैनल होगा वही उस पूरे पावर प्लांट के स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगा। सो अनइवन सॉइलिंग का मतलब वही होता है कि यहाँ पे सॉइल जो होगा वो ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ थोड़ा ज्यादा होगा। तो जहाँ पे सबसे ज्यादा सॉइल होगा अगर वो एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड है तो वो क्या करेगा, ओवरऑल स्ट्रिंग के जो पावर वोल्टेज है उसको ड्रॉप करा देगा। उसके बाद आता है कि पावर डिग्रेडेशन। पावर डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि सोलर पैनल को जब आप लगा देते हो किसी साइट पे तो होगा क्या कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनमें एक डिग्रेडेशन देखने को मिलता है सोलर पैनल्स में, जो कि मैन्युफैक्चरर भी बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर आपको 2.5% देखने को मिलेगा, उसके बाद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आपको 0.5% के रेशियो में देखने को मिलेगा। अब जो प्रॉब्लम ये है कि 2.5% जो उन्होंने बोला फर्स्ट ईयर में, वो जरूरी नहीं है कि 2.5 हो सकता है 0.1% हो, 0.5% हो, 0.3% हो। लेट्स से कि ये 415 वाट का पैनल था, तो मान लेता हूँ कि कोई 415 वाट का पैनल 400 वाट पे चला गया, कोई 410 पे चला गया, कोई 401 पे चला गया, कोई 415 वाट दे रहा है। सो इसके केसेस में क्या होगा कि जब डिग्रेडेशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा कि आपके प्लांट पे एक टाइम के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, हर एक पैनल का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो एक दूसरे से 1-2 वाट कम ज्यादा देखने को मिलेगा। अब उसमें जो ज्यादा वाले पैनल होंगे यानी कि जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा वो क्या करेगा, मिसमैच में अगर हम बात करें तो मिसमैच में वो ज्यादा वोल्टेज के पैनल का हमें कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। सबसे ज्यादा डिग्रेडेड पैनल जो होगा वही उस ओवरऑल स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगा। तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिसमैच का इंपैक्ट आएगा आपको देखने को इन टर्म्स ऑफ पावर डिग्रेडेशन। उसके बाद बात आती है माइक्रो क्रैक्स। माइक्रो क्रैक्स भी आ जाते हैं हमारे सोलर पावर प्लांट के अंदर, जैसे क्लीनिंग कर रहा है कोई मॉड्यूल्स के ऊपर चल गया, या हो सकता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन आपके क्रैक्स आ गए। माइक्रो क्रैक्स बहुत छोटे से माइक्रो क्रैक्स होते हैं जिनको आप ऐसे विजुलाइज नहीं कर सकते हो। ईएल टेस्ट करिए या थर्मल इमेजिंग कैमरा से अगर आप उस सोलर पैनल को देखते हैं तो ही आप उस माइक्रो क्रैक को जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके बाद हॉटस्पॉट बनता है, जैसे ही माइक्रो क्रैक इन्वॉल्व होता है हमारे सोलर पैनल्स में तो क्या होता है, वहां पे माइक्रो क्रैक्स बनने के बाद क्या होगा कि हॉटस्पॉट बनना शुरू हो जाएगा, या कोई सोलर पैनल है जिसपे कंटिन्यूअसली शेडो रहता है तो वो क्या होगा, वो सेल जो है वो हीट होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बर्न हो जाएगा और वहां पे हॉटस्पॉट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आता है डस्ट बिल्डिंग अप नियर द सोलर एजेस। अब क्या होगा कि सोलर एजेस का मतलब होगा कि जैसे ये सोलर पैनल हम लगाते हैं तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो सोलर पैनल्स में क्या होता है कि क्लीनिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा जो डस्ट का पार्ट है हमें उस तरीके से कुछ रफ एरिया देखने को मिलता है वो होता है कि सोलर पैनल का सबसे लोअर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डस्ट जमा होता है यहाँ पे। सो इस डस्ट की वजह से क्या होगा कि ये सारे के सारे पैनल जो होंगे वो कम परफॉर्म करेंगे, ये सारे के सारे जो सेल्स होंगे उस डस्ट की वजह से ये कम परफॉर्म करेंगे। तो ये भी हमारे सोलर पावर प्लांट में एक मिसमैच होने के लिए एक बहुत बड़ा रीजन। तो अभी आपने ये सारे फैक्टर्स जितने भी फैक्टर्स देखे इन फैक्टर्स से हमारे सोलर सिस्टम में क्या होता है, मिसमैच लॉसेस होते हैं जिसकी वजह से हमको एक बहुत 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 बड़ा पावर लॉस देखने को मिलता है सिस्टम के अंदर। सो मिसमैच लॉसेस होता है क्यों है, क्योंकि हमारे जितने भी पैनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। अब क्या हुआ कि देखिए ये प्रॉब्लम जब इंडस्ट्री में आई तो लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया कि अगर ये जो मिसमैच है, अब होता क्या है कि हम 20 पैनल की स्ट्रिंग बनाते हैं नॉर्मली, अगर आप प्रैक्टिकली सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम 15-16 पैनल्स की, 17 पैनल, 18 पैनल, 19 पैनल की स्ट्रिंग बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि इन्वर्टर का इनपुट सेक्शन क्या बोलता है हमको, इनपुट सेक्शन से पैरामीटर्स को देख के हम स्ट्रिंग डिजाइन करते हैं। अब वहां पे समस्या ये थी कि जब हम एक स्ट्रिंग में इंटरकनेक्ट कर देते हैं सारे पैनल्स को आपस में तो होता क्या है कि एक पैनल का पावर वोल्टेज जो है कम हो गया तो सारे के सारे पैनल्स का पावर वोल्टेज कम हो जाता है। तो इंडस्ट्री में क्या हुआ कि एक ऑप्टिमाइजर वाले इन्वर्टर्स है, तो ऑप्टिमाइजर्स में हमने क्या कर दिया कि हर एक पैनल पे एक एक ऑप्टिमाइजर दे दिया। ऑप्टिमाइजर देने से फायदा ये मिल जाता है कि हमारे हर एक पैनल जो है वो इंडिविजुअली परफॉर्म करने लगते हैं। इट मींस कि अगर मैं इस सिस्टम की बात करता हूँ तो यहाँ पे 200 वाट पैनल जो है वो दे रहा था पहला पैनल, सेकंड मेरा 500 दे सकता था, थर्ड 500 दे सकता था, फोर्थ 500 दे सकता था, फिफ्थ 500 दे सकता था। तो उस केस में क्या हो रहा था कि अगर मैं ऑप्टिमाइजर वाले सॉल्यूशंस पे जाता तो केवल मेरा 300 वाट का नुकसान होता और मैं यहाँ पे जनरेशन कितना ले पाता, 2.2 किलोवाट मुझे मिल जाता, जबकि अभी के केस में क्या मिल रहा है मुझे, 1 किलोवाट मिल रहा है। सो ये जो लिमिटेशन थी हमारे स्ट्रिंग इन्वर्टर्स के साथ उसको हमने दूर कर दिया ऑप्टिमाइजर वाले सिस्टम के अंदर। एंड अगर सेम मैं बात करूं माइक्रो इन्वर्टर्स में भी सेम प्रिंसिपल है कि माइक्रो इन्वर्टर्स में हर एक पैनल पे क्या होता है कि एक माइक्रो इन्वर्टर हम लगा देते हैं, वो माइक्रो इन्वर्टर क्या कर देता है, डीसी टू एसी कन्वर्ट कर देगा और हर एक पैनल जो है वो एक इंडिविजुअल सिस्टम के तरीके से परफॉर्म करने लगता है। तो हम उसमें इस केस में क्या बोलेंगे कि हमारे 5 पैनल का मतलब हमने अपनी छत पे 5 पर्टिकुलर सिस्टम्स लगाए हुए हैं, का एक दूसरे से कोई डिपेंडेंसी नहीं है।
तो अगर एक पैनल से के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, एक पैनल में अगर कोई वोल्टेज कम हो रहा है, तो आपका वो जो है वो दूसरे पैनल्स के अंदर इम्पैक्ट नहीं डालेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिसमैच लॉसेज इन सोलर सिस्टम। मिसमैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है सोलर सिस्टम में। सो जब भी आप सोलर प्लांट डिजाइन करिए, बहुत अच्छे से देख के करिए। सो अगर आप स्ट्रिंग इन्वर्टर लगा रहे हैं और एक MPPT में अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग साइजिंग दे रहे हैं, तो उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। सबसे लोअर जो स्ट्रिंग होगी वही उस पूरे MPPT की स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगी। सो होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगेन मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे चैनल सोलर फैक्ट्स का आज 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। सो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग दिस एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।